गुजरात में ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से उगाई बांध से 1.99 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद सूरत में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने तापी और सूरत जिले में अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही लोगों से नदी किनारे न जाने की सलाह भी दी गई है। गुजरात के वडोदरा में लगातार बारिश के बाद अजवा सरोवर बांध से पानी छोड़ा गया है, जिससे कई जिलों में खतरा मंडरा रहा है। निचले इलाकों में अजवा सरोवर बांध से छोड़ा गया पानी सड़कों और घरों को तबाह कर रहा है। पानी के प्रहार से कई जगहों पर सड़कें टूट चुकी हैं, जिससे लोगों के लिए आवाजाही करना मुश्किल हो गया है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को नदी और नालों के पास न जाने की हिदायत दी है। भारी बारिश की वजह से सभी नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के बागेश्वर में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। अभी भी नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा बना हुआ है। पुलिस प्रशासन ने सरयू नदी के पास मुहिम चलाई और हाथ में माइक लेकर लोगों को जानकारी दी गई। नदी किनारे पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है, जिससे सैलाब के खतरे से लोगों को बचाया जा सके। पिथौरागढ़ में आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं और पहाड़ मलबा सड़क पर इकट्ठा हो रहा है। मुंशियारी मोटर मार्ग में मलबा आने के बाद इस रास्ते को बंद किया गया है, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। लोगों को जरूरत की चीजें भी नहीं मिल पा रही है। वहीं पर्यटक भी काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने से सड़क पर मलबा इकट्ठा हो गया है। बनिहाल के पास सड़क पर मलबा आने की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बाधित हो गया है। प्रशासन की ओर से रास्ता साफ करने के और यातायात को फिर से बहाल करने की कोशिश हो रही है। वहीं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद होने से आसपास गाड़ियों की लंबी कतारें भी नजर आई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बादल फटने से तबाही मच गई। पानी का तेज बहाव कई सड़कों से होता हुआ गुजरा और अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। पानी की तेज धार में कई सड़कें टूट गई और मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। पानी के आगोश ने सड़क को भी नदी में तब्दील कर दिया। देखते ही देखते सब कुछ अचानक सैलाब में बर्बाद हो गया। उत्तराखंड के चमोली में पानी का रौद्र रूप दहशत पैदा कर रहा है। हर तरफ सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। पानी की ताकतवर लहरें पुल और सड़कों को तबाह करने पर आमादा है। नदी के इसी उफान में कुछ पर्यटक फंस गए, जिसके बाद SDRF के जवान मौके पर पहुंचे और पानी से 150 पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला। राजस्थान के जोधपुर में बारिश के बाद शहर में खराब सीवरेज लाइन बरसात का मौसम में धस गई, जिससे एक स्कूल बस अचानक गिर गई और देखते ही देखते बस का पिछला हिस्सा सड़क में धस गया। दुर्घटना के बाद बस में सवार 2 बच्चे सहम गए। गनीमत यह रही कि हादसे के समय बस में सिर्फ 2 बच्चे और एक ड्राइवर सवार था, जिन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा। राजस्थान के झुंझुनू में आसमानी आफत से लोग परेशान हैं। बारिश की वजह से आई बाढ़ ने कई इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। सड़कों में कमर तक पानी भर गया है और बरसाती पानी में भी लोग अपनी रोजमर्रा की चीजें जुटाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। घर और दुकानें भी जलमग्न हो चुकी हैं। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में मार्बल कारोबारी के साथ जमकर मारपीट हुई। इस बीच बदमाशों ने उनके दुकान के भीतर घुसकर जमकर हंगामा किया। दुकान में तोड़फोड़ और लूटपाट की कोशिश की गई। घटना में कारोबारी समेत करीब कई लोग घायल हुए हैं। घटना के समय मौके पर अफरातफरी की स्थिति बनी रही। वहीं स्थानीय लोगों के जुटने पर बदमाश फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। यूपी के हरदोई में शराबियों ने बीच सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। इस बीच सड़क पर लंबा जाम लग गया। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिसकर्मियों ने रास्ता खाली करवाया। शराबियों के इस हाई वोल्टेज ड्रामे के कारण लखनऊ हरदोई मार्ग पर लोगों को काफी परेशानी हुई। बाद में पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर छोड़ दिया। बिहार के समस्तीपुर से फायरिंग का लाइव वीडियो सामने आया है। बदमाशों ने एक लड़की को गोली मार दी। लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। 2 युवक एक साथ सड़क पर आ रहे हैं। उसी समय सामने से एक युवक आया और कुछ बात को लेकर कहासुनी हो गई। अचानक एक युवक ने कमर से पिस्टल निकाली और फायरिंग कर दी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। यूपी के बिजनौर में तेज रफ्तार बस अचानक पेट्रोल पंप में घुस गई। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पेट्रोल पंप पर पहले कुछ वाहन तेल भरवाते हुए नजर आए। इसी बीच पीछे से तेज रफ्तार से आ रही एक बस धड़धड़ाते हुए पेट्रोल पंप के अंदर घुस गई। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट पर एक यात्री को सैटेलाइट फोन के साथ गिरफ्तार किया गया है। यूपी के ही उन्नाव का रहने वाला कुलदीप मुंबई जा रहा था, जहां से उसे दुबई रवाना होना था। लखनऊ एयरपोर्ट पर चेकिंग के समय उसे सीआईएसएफ ने पकड़ा और सरोजनी नगर पुलिस को सौंप दिया। उसे खुफिया एजेंसियां भी पूछताछ कर रही हैं। पंजाब के अमृतसर में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े दो आरोपी एनकाउंटर में मारे गए हैं। उनके पास से AK-47 के साथ ही भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ है, जिनकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को सरेंडर करने के लिए कहा गया है तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में दोनों ढेर हो गए। करीब 5 घंटे तक चले एनकाउंटर में पुलिस के 3 जवान भी घायल हुए। हरियाणा के नूह में डीएसपी की हत्या के मामले में आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी शब्बीर को राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया था, अब एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा सरकार ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा दिया है, साथ ही पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी। चुनाव में एनडीए की ओर से प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है। इसे देखते हुए बीजेपी ने देश भर में जश्न की तैयारी कर ली है। पार्टी ने 1 लाख से ज्यादा आदिवासी गांव में और लगभग 15,000 मंडलों में उत्सव मनाने की तैयारी की है। चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का मुकाबला यशवंत सिन्हा से है। नेशनल हेराल्ड केस में आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश होंगी। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में आज ईडी सोनिया गांधी से सवाल करेगी। कांग्रेस ईडी दफ्तर तक मार्च निकालेगी। इनमें वरिष्ठ नेताओं के साथ ही यूथ कांग्रेस एनएसयूआई कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। श्रीलंका में जारी प्रदर्शन के बीच रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। शपथ लेने से पहले विक्रमसिंघे ने मंदिर में दर्शन किया। इस बीच विक्रमसिंघे ने जनता से देश में एकता बनाए रखने की अपील की है। वहीं अभी भी श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन जारी है। बाढ़ से हाहाकार मची हुई है। आसमानी आफत के आगे लोग बेबस नजर आ रहे हैं। नदियां उफान पर है, जिससे लोगों की जिंदगी पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। कश्मीर समेत देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ का सितम लगातार जारी है। भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राजस्थान में सड़कें दरिया बन चुकी हैं, तो वहीं दौसा में लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। बेडरूम से लेकर किचन तक बारिश के पानी का डेरा है। छत्तीसगढ़ में भी हालात कुछ अलग नहीं है। यहाँ भी तेज बारिश के बाद लोगों को जलभराव की परेशानी से जूझना पड़ रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे जमीन खिसकने की वजह से बंद हो गया। हाईवे बंद होने से आवाजाही प्रभावित हो गई है और अमरनाथ यात्रियों को एक बार फिर रामबन में रोका गया है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं राजस्थान की धौलपुर।